ओके तो अपन स्टार्ट करते हैं कि इस बार अभी क्या करेंगे, यूजेस ऑफ सीरीज टेस्ट लैंप की इस्तेमाल करेंगे, चेक करते कैसे है करके। जैसे अभी सीरीज टेस्ट लैंप हो गए आपके पास रेडी अवेलेबल है, और उसके साथ आपके पास क्या एक फैन है, सीलिंग फैन। तो ये सीलिंग फैन सही है क्या खराब है उसको अपने को क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, सीरीज सॉकेट। ठीक है, तो ये पिन लगा लो सीरीज सॉकेट में। वेरी गुड, पिन लगा लिया है। ये उसके दो लीड है, बराबर। ओके, एक बार चालू करके आपस में टच कीजिए। वेरी गुड, इस तरह से क्या होगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इसके जो तीन वायर से ये कनेक्ट कर लो, एक 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 चेक करना होगा अपने को, तीनों वायर रहते हो। देखो ये कनेक्ट हो रहे, स्पार्क हो रहे, बल्ब थोड़ा सा डिम जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। वेरी गुड, ये भी जल रहा है। ओके, तो तीनों टर्मिनल के बीच कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब आपका फैन अभी तक सही है। लेकिन अपने को अभी क्या करना होगा, तीनों टर्मिनल्स और बॉडी के साथ भी कनेक्ट करके चेक करना होगा। एक बार चेक कीजिए, देखिए इसके साथ ये स्पार्क हो रहा है। कनेक्ट करो फिर से, कनेक्ट करके रख दो उसको उसके साथ, बढ़िया से। हाँ, ये देखो ये स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब ये बल्ब भी जल रहा है, इसका मतलब ये मोटर जो है वो 100% ग्राउंड हो चुकी है, इसकी वाइंडिंग जल चुकी है। तो ये आपको क्या करना होगा, रिवाइंडिंग करना होगा। ये हो गया आपने सीरीज सॉकेट का। अगर यही गलती से अपन ने पैरेलल सॉकेट में चेक किया होता इस मोटर को, तो क्या हो जाता, एक तो MCB ट्रिप होती, शॉर्ट सर्किट होता और स्पार्क होता। तो सीरीज सॉकेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी उपकरण को टेस्ट करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए। अपन ने वायरिंग किया था वो सही है क्या नहीं है, कोई भी मशीन सही है क्या, खराब हो चुका है, तो इसके लिए इस सीरीज सॉकेट का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है।